तो क्वेश्चन कह रहा है कि द डिस्टेंस ऑफ जियोस्टेशनरी सेटेलाइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, कि अर्थ के सेंटर से जियोस्टेशनरी सेटेलाइट का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा। ऐसा तो नहीं, यूँ तो इसको निकालने का बहुत सारा तरीका होता है। हम लोग जानते हैं कि जो हमारा अर्थ है, इस अर्थ से, और ये अर्थ का हमारा रेडियस है r, हम इस अर्थ से एक डिस्टेंस h पर जियोस्टेशनरी सेटेलाइट को रखते हैं। इस जगह पर जियोस्टेशनरी सेटेलाइट को पुट किया जाता है। इसको फिगरेटिक सिंबल से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। मान लेते हैं कि इस जगह पर ये हमारा जियोस्टेशनरी सेटेलाइट का ऑर्बिट है। दिस ऑर्बिट इज़ द ऑर्बिट ऑफ जियोस्टेशनरी सेटेलाइट, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये मान लेते हैं h है। तो हम लोग जानते हैं कि जो जियोस्टेशनरी सेटेलाइट है वो अर्थ सरफेस से 36,000 किलोमीटर के डिस्टेंस पे रखा जाता है, और हमारे अर्थ का जो रेडियस है ये 6400 किलोमीटर का है। ठीक है, इसका मतलब क्या कि अर्थ के सेंटर से जो इसका डिस्टेंस होगा r प्लस h, ये कितना हो जाएगा, 36,000 प्लस 6400। इफ़ वी ऐड 36,000 प्लस 6400 देन वी विल गेट 42,400 किलोमीटर। अर्थ के सेंटर से करीबन इतने डिस्टेंस पर जियोस्टेशनरी सेटेलाइट को रखा जाता है। अब हमको पूछ रहा है कि कितने डिस्टेंस पर रखा जाता है, इसको हम लोग रेडियस के फॉर्म पे बताएंगे। तो जो जियोस्टेशनरी सेटेलाइट है, हाइट ऑफ एच ऑफ जियोस्टेशनरी सेटेलाइट, एच ऑफ सेटेलाइट डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ इज इक्वल्स टू, अभी हम लोगों को निकला ये 42,400 किलोमीटर्स है, और जो रेडियस ऑफ अर्थ है ये है 6400 किलोमीटर। 10 and 10 कैंसिल, 10 and 10 कैंसिल। इफ़ यू डिवाइड 424 बाय 64 देन वी विल गेट 6.66। सो वी कैन राइट एज कि हाइट ऑफ जियोस्टेशनरी सेटेलाइट इज इक्वल्स टू 6.6 रेडियस ऑफ अर्थ। इसका मतलब कि जियोस्टेशनरी सेटेलाइट को 6.6 रेडियस ऑफ अर्थ की ऊंचाई पर रखा जा सकता है। कभी कभी सिचुएशन हमारे साथ ऐसा भी हो जाता है कि हम लोगों को जो पर्टिकुलर डिस्टेंस है 36,000 किलोमीटर या फिर 6400 किलोमीटर, इनके बारे में हमें पता नहीं होता है। जब इनके बारे में हमें पता ना हो तो हम लोग एक दूसरा तरीका भी यूज़ कर सकते हैं, सेकेंड मेथड। ये सेकेंड मेथड क्या है, हम लोग जानते हैं कि जो पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन है टी इज इक्वल्स टू 2πr बाय वी होता है, एंड हियर r इज़ व्हाट, यहाँ पे जो r है ये हमारा है रेडियस ऑफ अर्थ। इफ़ यू स्क्वायर बोथ साइड्स, यदि हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दें देन इट विल बी टी स्क्वायर, और इधर ही हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। सो वी कैन राइट इट एज टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4πr स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। नाउ एज वी नो, हम लोग जानते हैं ऑल्सो कि जो एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, इट मीन्स सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन के द्वारा जो फोर्स हम लोगों को मिलता है एक्सेलरेस, और ये जो है ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होगा। एम एंड एम गोज टू कैंसल्ड आउट, हियर आर एंड स्क्वायर इज कैंसल्ड आउट, सो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी एम डिवाइडेड बाई
आर। इसको यदि हम लोग इक्वेशन टू का जो वैल्यू है इक्वेशन वन में पुट कर दे यूजिंग टू इन वन, यदि टू को हम लोग वन में पुट करें तो हम लोगों को मिलेगा टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू फोर पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी एम, और ये आर ऊपर आ जाएगा, सो इट कैन बी रिटन एज फोर पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय जी एम। इस फॉर्मूला में मास ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ, इन सब को लगा कर, है ना, हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं इफ़ वी टेक टी इज इक्वल्स टू 24 आवर्स, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो भी जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं उन जियोस्टेशनरी सैटेलाइट को अर्थ के चारों ओर घूमने में, अर्थ के चारों ओर रेवोल्यूशन करने में, अर्थ के चारों ओर इनको यदि रेवोल्यूशन करना है, अर्थ के चारों ओर इनको यदि रेवोल्यूशन करना है, तो सपोज दैट इस जगह पे कोई जियोस्टेशनरी सैटेलाइट है और ये हमारा अर्थ है, और इसको यदि अर्थ के चारों ओर घूमना है तो अर्थ के चारों ओर घूमने में, ऑर्बिट करने में इसको 24 आवर्स का समय लगता है, 24 घंटे का समय लगता है। सो वी विल टेक पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन टाइम, जो टाइम टाइम पीरियड है उसको हम 24 आवर्स ले लेंगे, और सभी को ऐसा यूनिट के फॉर्मेट में करके यदि हम लोग इस इक्वेशन में बैठा देंगे तो भी हम लोगों को इतना ही वैल्यू मिलेगा 6.6, दैट इज 6.6 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ। होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व इजीली कर सकते हैं।